लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक खबर ओडिशा से आ रही है कि जहां पर सत्ताधारी बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा की बीजू जनता दल भी एनडीए में शामिल हो सकती है। बुधवार यानी 6 मार्च के भुवनेश्वर में बीजेडी के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर पर नवीन निवास में चुनाव को लेकर लंबी मीटिंग हुई। इस बैठक में बीजेडी के बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद बीजेडी के वाइस प्रेसिडेंट देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि हमारी बीजेपी के साथ अलायंस पर चर्चा चल रही है, हमारी पार्टी ओडिशा के लोगों के हितों को लेकर जरूरी फैसला लेगी। वहीं कांग्रेस ने इस पर कहा कि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ने देश और प्रदेश की जनता को ठगा है। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। एक खबर के मुताबिक अगर गठबंधन होता है तो लोकसभा की ज्यादा सीटें पर भाजपा अपने कैंडिडेट उतारेगी, वहीं बीजेडी विधानसभा चुनाव पर फोकस करेगी। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। वहीं एक सवाल का जवाब सब चाहते हैं कि बीजेडी लगभग 2 दशक से ओडिशा की सत्ता में काबिज है, साथ ही सबसे ज्यादा विधायक और सांसद प्रदेश में हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे बीजेपी की जरूरत पड़ गई? दरअसल नवीन पटनायक 2 दशक से पार्टी मुखिया बने हुए हैं। बढ़ती उम्र के साथ अब वो अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। नवीन पटनायक इसे लेकर अब सुरक्षित राजनीति करना चाहते हैं। वो इस वजह से पार्टी में कलह बढ़ी हुई है कि पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में अपनी राजनीतिक भविष्य तलाश कर रहे हैं। अगर बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन होता है तो बीजेपी में पलायन थमेगा और साथ ही पार्टियों में स्थिरता आएगी।